हेलो एवरीवन, सीरीज विद दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फाउंडेशन सीजन 2 की एपिसोड नंबर 7 की कहानी को। दोस्तों, हमने सभी सारे प्रीवियस एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं और उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम पॉली और कॉन्स्टेंट को देखते हैं, जिन्हें एक जगह बंदी बनाया हुआ है। कॉन्स्टेंट बोलती है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पॉली बताता है कि ये लोग हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं ताकि हम में से एक बोर हो जाए और खुद की जान ले ले। साथ ही बोलती है कि हमें एम्पीरियल के पास जाना था और देखो हम कहाँ पहुँच गए। वहीं हम ब्रदर डे और डिमर्जल को देखते हैं, जो इन दोनों पर निगाह रखे हुए हैं। जहाँ डिमर्जल डे को बताती है कि आउटर रिच से दो लोग आए हैं और वो दोनों बताते हैं कि हम मैरी सेल्डन की चर्च से आए हैं, साथ ही साथ आपकी शादी भी होने वाली है, इसीलिए आगे का जो फैसला लें वो सोच समझ कर लें। ब्रदर डे बोलता है कि मेरे बच्चे होने वाले हैं, अगर वो मेरी तरह भी नहीं दिखेंगे तो भी यहाँ के एम्पायर जरूर बनेंगे। वहीं क्वीन सेरेथ रू के पास होती है। रू बोलती है कि तुम्हें संभल कर रहने की जरूरत है, डे तुम पर मोहित जरूर है लेकिन वह तुम्हारे लिए खतरनाक भी है। तब तक यहीं पर डिमर्जल आ जाती है, जो क्वीन सेरेथ को अपने साथ चलने के लिए बोलती है और कहती है कि तुम्हें शारीरिक जांच करवाने की जरूरत है। और सेरेथ डिमर्जल के साथ जाने लगती है और वह डिमर्जल से पूछती है कि तुम कितने सालों से जिंदा हो। तब डिमर्जल यहाँ पर अपने बारे में बताती है, साथ ही साथ क्वीन सेरेथ को यह भी पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स को मरवाने के पीछे डिमर्जल का हाथ है और ऐसा एम्पायर ने ही कहा था। बाद में क्वीन सेरेथ को डॉक्टर्स के पास लाया जाता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि हम तुम्हारे अंदर से तुम्हारे अंडे को निकालने वाले हैं क्योंकि अब तुम पर केवल और केवल एम्पायर का ही हक है। वहीं दूसरे इग्निस ग्रह पर गैल और सिल्वर को देखते हैं। सिल्वर गैल को बोलती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, हम यहाँ से टैलम का कोई जहाज चुरा लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन गैल बोलती है कि नहीं, हमें यहीं पर रहना होगा, हमें इन लोगों की मदद की जरूरत है। सिल्वर बोलती है कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मेरे दिमाग के साथ कुछ अजीब हुआ है। मैं लोगों के दिमाग पढ़ सकती थी लेकिन यहाँ आने के बाद मैं किसी का दिमाग नहीं पढ़ पा रही। और दूसरा, हैरी सेल्डन भी हमारा साथ छोड़कर चला गया है। सिल्वर यहाँ से एक आदमी के पास चली जाती है जिसने ह्यूगो का रूप लिया था और वह उससे बात करने लगती है। वह बताता है कि तुम्हें यहीं पर रहने की जरूरत है। साथ ही यह आदमी सिल्वर को मछलियों के बारे में भी बताता है और यह आदमी एक शिप की तरफ देखे जा रहा था। तब गैल यहाँ पर सिक्के को उछालती है लेकिन फिर भी वह सामने वाले इस आदमी का मन नहीं पढ़ पाती। बाद में जो मछलियाँ पकड़ी गई हैं उन्हें जिंदा पकाया जाता है। इस बात से वो मछलियाँ चिल्लाने लगती हैं। टेलम बताती है कि ये मछलियाँ हमारे खाने के काम आती हैं। सिल्वर बोलती है कि मैं इन्हें नहीं खाने वाली, इससे अच्छा तो मैं पेड़ पौधों को खाकर जिंदा रहूंगी। तो टेलम बताती है कि उन पौधों को भी दर्द होता है जितना मछलियों को दर्द होता है, बस वो पौधे चिल्ला नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ हम होबर मेलो को देखते हैं, जिसे कुछ स्पेसर्स ने पकड़ लिया है। वो होबर मेलो को बताते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे क्योंकि तुमने हमारे सीक्रेट जान लिए। होबर मेलो यहाँ पर स्पेसर्स को एक ओपोलेक्स देता है और कहता है कि तुम इसे सूंघ सकती हो या खा भी सकती हो। साथ ही साथ वह स्पेसर से पूछता है कि तुम्हारे कितने परसेंट बच्चे एम्पायर के लिए काम करते हैं। तो स्पेसर्स बताती है कि हमारे 10% बच्चे एम्पायर के लिए ही काम करते हैं। तो होबर मेलो बोलता है कि वो तुम्हें गुलाम बनाते हैं, तुम उनके लिए काम करते आए हो लेकिन फिर भी आज़ाद नहीं हो। अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो मैं तुम्हारी आज़ादी की गारंटी देता हूँ और तुम अपने उन सभी बच्चों को छुड़ा सकोगी जो अंपायर के साथ बंधे हुए हैं। साथ ही साथ हैरी सेल्डन के बारे में भी बताता है कि मैं हैरी सेल्डन के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। लेकिन स्पेसर्स बोलती है कि मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ लेकिन अगर एम्पायर को इस बारे में पता चल गया तो वो हमारे 10% बच्चों को नहीं बल्कि 20% बच्चों को अपना गुलाम बना लेगा और हम ऐसा चाहते नहीं। ओबर मेलो बोलता है कि एक जगह रहने से अच्छा ब्रह्मांड के बारे में सोचो, जहाँ भी तुम जाना चाहो, उन समुद्रों के बारे में सोचो जहाँ तुम बहना चाहती हो और अपनी आज़ादी के बारे में सोचो। वहीं हम इस स्पेसर्स की बेटी को देखते हैं, जो उस शिप पर होती है जिस शिप के ऊपर बेल रियोस होता है। बेल रियोस की शिप पर जो स्पेसर्स होते हैं वो स्पेसर्स बेल रियोस को बताते हैं कि मेरी मॉम ने एक इंसान को पकड़ा है जो अपने आप को होबर मेलो बताता है। उसके पास एडवांस टेक्निक वाला एक जहाज है और वह दावा करता है कि यह जहाज उन्होंने खुद ने बनाया है। तब वो स्पेसर्स होबर मेलो को बेल रियोस के पास लेकर आते हैं और यह स्पेसर्स इस शिप पर आकर अपनी बेटी से मिलती है क्योंकि उसे अपनी बेटी से मिले हुए काफी टाइम हो गया था। और यह स्पेसर्स बताती है कि होबर मेलो यहाँ के स्पेसर्स को अंपायर के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था और वह होबर मेलो को बेल रियोस को सौंप देती है और यहाँ से चली जाती है। तब बेल रियोस यहाँ पर होबर मेलो से पूछता है कि तुम हो कौन और कहाँ से आए हो और इतना बड़ा शिप तुम्हें कहाँ से मिला। बेल रियोस बताता है कि मैं हैरी सेल्डन का दूत हूँ, मुझे हैरी सेल्डन ने भेजा है, वो एक फाउंडेशन को चलाते हैं और उन्होंने ही इस शिप को बनाया है।
तब बेल्ट्रूस बोलता है कि हमें तुम्हारा जहाज दिखाओ। तब होपर मेलो इन्हें अपना जहाज दिखाने के लिए दरवाजा खोल देता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है वहाँ पर बैकी नाम का एक बहुत बड़ा जानवर होता है जो कॉन्स्टेंट का होता है, और यह जानवर बेल्ट्रूस और उसके हस्बैंड इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। और मौका देखते ही होपर मेलो यहाँ से फरार हो जाता है और वह इन्हीं की शिप के पास अपनी शिप को जंप करा देता है, जिससे इनकी शिप का बहुत बड़ा नुकसान होता है। बाद में बेल्ट्रूस यह बात एम्पायर को बताता है कि हमने होपर मेलो नाम के एक आदमी को पकड़ा था, उसके पास एडवांस शिप थी, लेकिन अब वह यहाँ से भाग चुका है। एम्पायर इस चीज से गुस्सा होता है। बेल्ट्रूस एम्पायर के ऊपर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वह एम्पायर के लिए काम करता है और वह उससे बंधा हुआ है। तब बेल्ट्रूस का हस्बैंड ग्लेवन बोलता है कि हम एम्पायर के लिए काम क्यों करते हैं, हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। बेल्ट्रूस बोलता है कि मैंने कोशिश की थी और मेरी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे और अब भी ऐसा ही होगा, वो मुझे नहीं बल्कि तुम्हें मारेगा और मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं खोना चाहता। ग्लेवन बोलता है कि तो मैं एम्पायर के पास चला जाऊंगा, मैं उसे कहूंगा कि मेरे पास बहुत ही गुप्त जानकारी है और मैं उसे मार दूंगा। बेल्ट्रूस बोलता है कि यह इस तरह काम नहीं करता, एम्पायर के चारों तरफ शील्ड होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है, इसी वजह से तुम एम्पायर को कभी नहीं मार पाओगे, हमें थोड़ा सूझबूझ से काम लेना होगा क्योंकि हम यह गुलामी हमेशा के लिए नहीं कर सकते। वहीं गैल और सेल्वर्ट जहाँ पर होती हैं वहाँ पर टेलम और उसके लोग भी होते हैं, और यहाँ पर एक लड़की गैल से उसके जीवन के बारे में पूछती है। तब गैल अपने बारे में बताना शुरू कर देती है कि मैं जिस ग्रह से आई हूँ वहाँ पर मैथ की पढ़ाई पढ़ना एक अपराध है, लेकिन फिर भी मैंने चोरी चुपके मैथ की पढ़ाई पूरी की और तब मुझे हैरी सेल्डन से मिलने का मौका मिला और फिर मैंने काफी टाइम तक उसी के साथ काम किया और उसने अपना एक फाउंडेशन भी बनाया, और सच बताऊँ तो मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। आज से 152 साल बाद एक म्यूल हमारे ऊपर हमला करने वाला है और उस टाइम पर हम सभी को मिलकर एक साथ काम करना होगा ताकि हम उस म्यूल को हरा सकें, और उस हमले में मैंने अपनों को खोते हुए देखा है, लेकिन एक दो की कुर्बानी तो हमें देनी होगी। वही हम एम्पायर को देखते हैं जो क्वीन सेरेथ से मिलता है, जहाँ ये दोनों अपने बारे में बातें करते हैं। क्वीन सेरेथ यहाँ पर एम्पायर से बोलती है कि तुमने कभी मेरी फैमिली के बारे में बातें नहीं की, और वह अपनी फैमिली के बारे में बताना शुरू करती है जिसमें उसकी मॉम, डैड, उसका भाई और उसकी बहन होती है, लेकिन एक हमले के चलते उसके सारे परिवार वाले मारे जा चुके हैं और उनके परिवार को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि एम्पायर खुद होता है, लेकिन एम्पायर यह बात कभी भी क्वीन सेरेथ को नहीं बताता। क्वीन सेरेथ बोलती है कि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, लेकिन यह बात मैं उन्हें नहीं बता पाई और मैं ये बात तुम्हें बता रही हूँ। एम्पायर बोलता है कि तुम बहुत किस्मत वाली हो कि हमारा संयोग हुआ है, तुम्हें मुझे यह बोलना चाहिए कि मैं आपकी आभारी हूँ। तो क्वीन सेरेथ यहाँ पर गुस्से में बोलती है कि मैं आपकी आभारी हूँ एम्पायर, और यहाँ से चली जाती है और वह सीधा ब्रदर डाउन से मुलाकात करती है, और वह ब्रदर डाउन को बोलती है कि मुझे डे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम उन सबसे अलग हो, तुम्हारी आंखें अलग हैं और यही चीज मुझे तुम में अच्छी लगती है, तुम उन सभी में से दयालु हो। मैं एम्पायर के साथ कोई बच्चा पैदा नहीं करना चाहती क्योंकि अगर वह उसी की तरह हुआ तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर अपना बच्चा पैदा करें ताकि वो हूबहू तुम्हारी तरह दिखे। लेकिन ब्रदर डाउन कहता है कि इससे एम्पायर को पता चल जाएगा। क्वीन सेरेथ बोलती है कि इससे किसी को नहीं पता चलेगा क्योंकि तुम्हारे और ब्रदर डे के जीन बिल्कुल सेम है। तब क्वीन सेरेथ यहाँ पर ब्रदर डाउन को किस करती है, लेकिन डाउन कहता है कि यह एक आत्महत्या करने जैसा काम है। क्वीन सेरेथ बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहीं पोली और कॉन्स्टेंट इन्हें भी ब्रदर डे के सामने लाया जाता है। ये लोग बताते हैं कि हम आउटर रिच से आए हैं और हमें यहाँ पर हैरी सेल्डन ने भेजा है, उन्होंने फाउंडेशन बना लिया है लेकिन वो बहुत दयालु हैं। हम यहाँ पर शांति का समझौता लेकर आए हैं ताकि हमारे पास जो टेक्निक है उसे आप लोग भी इस्तेमाल कर सको। तब यहाँ पर कॉन्स्टेंट भी बोलना शुरू कर देती है और कॉन्स्टेंट के पास हैरी सेल्डन का मैसेज होता है, और तब यहाँ पर हैरी सेल्डन अपना रूप ले लेता है और वह ब्रदर डे और बाकी लोगों से बोलता है। तब हैरी सेल्डन बताता है कि हमने फाउंडेशन को बना लिया है, हमारे पास जहाज, हमारे पास टेक्निक है। साथ ही बोलता है कि मैं अभी भी टर्मिनस ग्रह के ऊपर हूँ, फिर भी तुमसे बात कर रहा हूँ, यह एक टेक्निक है और मुझे मेरी गणित की चोरी पर पूरा यकीन है कि एम्पायर और फाउंडेशन के बीच में युद्ध होगा और वो युद्ध हम ही जीतेंगे। तब एम्पायर यहाँ पर हैरी सेल्डन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुमने तो मौत को ही चकमा दे दिया, तुम तो इतने सालों से जिंदा हो और प्रकाश की गति से टर्मिनस ग्रह पर भी पहुँच गए, और बोलता है कि अब क्लोन का किस्सा खत्म हो जाएगा, मैं शादी करने वाला हूँ और मेरे भी बच्चे होंगे और मेरे बच्चे अभी सिंहासन को चलाया करेंगे। और एम्पायर इतना कहते ही इन दोनों को फिर से बंदी बना लेता है। वही हम सेल्वर को देखते हैं जो उस जहाज के पास आती है जिसे वह आदमी देख रहा था, और यहाँ पर आकर इस शिप की हिस्ट्री चेक करने लगती है कि यह शिप कहाँ से आई है, लेकिन उसे कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। तभी यहीं पर गैल आती है और जो कहती है
कि तुम इन लोगों के ऊपर शक मत करो, हमें इनके ऊपर विश्वास करना होगा, अब यही लोग हमारा सहारा है। सेल्वोर बोलती है कि इस जगह में कुछ प्रॉब्लम है, मैं किसी का दिमाग नहीं पढ़ पा रही। साथी बोलती है कि इस शिप की हिस्ट्री को मिटाया गया है। तब गैल यहाँ पर सेल्वोर को किसी तरह करके ले जाती है, लेकिन सेल्वोर फिर से रात को उठती है और वो इस शिप के पास आती है, और इस शिप के पास आकर वह इस शिप की हिस्ट्री को चेक कर इस जहाज को उसी जगह ले जाती है जहाँ से यह जहाज आई थी। और गैल को यहाँ पर हैरी सेल्डन नजर आ जाता है। गैल हैरी सेल्डन को देखकर चौंक जाती है और उसे खोलने लगती है, तभी पीछे से टेलम आ जाती है। टेलम बोलती है कि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं इस जगह को अच्छी बनाना चाहती थी, लेकिन अब किसी को त्याग करना होगा और वो त्याग मृत्यु का भी हो सकता है। और इतना कहकर टेलम यहाँ पर सेल्वोर को बेहोश कर देती है और सेल्वोर भी यहाँ पर पानी में गिर जाती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर पूरा हो जाता है। आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।